मैं शिवांक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो, अपने घर पे हो, सेफ हो। तो चलिए, जो मेरा आज की प्रेजेंटेशन है वो शुरू करते हैं बिना ज़्यादा बातें करते हुए। तो मेरे जो आज का टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के जो हम कंटेंट्स है जो हम कवर करने वाले हैं वो डेफिनेशंस, अर्ली हिस्ट्री, करंट स्टेटस ऑफ AI, चैलेंज फॉर AI, फ्यूचर ऑफ AI, प्रोज एंड कॉन्स एंड लास्ट कंक्लूजन्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। व्हाट इज़ AI? द स्टडी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स दैट अटेम्प्ट्स टू मॉडल एंड अप्लाई द इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन माइंड्स, अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस डीलिंग विद द सिमुलेशंस ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर इन द कंप्यूटर्स, द कैपेबिलिटी ऑफ मशीन्स टू इंटीमेट इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर। तो सबसे पहले जो था कि द स्टडी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट अटेम्प्ट्स टू मॉडल एंड अप्लाई इंटेलिजेंट ऑफ अ ह्यूमन माइंड, मतलब जो भी हम कंप्यूटर हैं, कोई भी हमारा कंप्यूटर है, हम जब उसकी स्टडी करते हैं, जब भी हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अपना जो माइंड होता है, हमारी जो बुद्धि होती है, मतलब उसका पूरा यूज़ करना होता है ताकि हम उसको पढ़ सकें। सेकेंड था, अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस डीलिंग विद द सिमुलेशंस ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर इन कंप्यूटर्स, मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर है और जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारी जो कंप्यूटर साइंस है उसका एक पार्ट है, उसकी एक शाखा है। सो नेक्स्ट जो है हमारा, आप इसमें देख सकते हो, इसमें हमारे पास तीन पार्ट्स दिए हुए, गूगल नाउ, सीरी, कॉर्टाना। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। गूगल नाउ, सीरी एंड कॉर्टाना आर द इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, मतलब कि जो गूगल है, गूगल नाउ है, सीरी है, कॉर्टाना है, ये सब क्या, एक इंटेलिजेंट डिजिटल, मतलब एक इंटेलिजेंट डिजिटल वो प्लेटफॉर्म्स है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, मतलब iOS, एंड्रॉयड और विंडो के अंदर, मतलब इनका यूज़ हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, मतलब ले इनका यूज़ करके हम किसी भी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं, हम इनसे पूछ सकते हैं, हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। हमने अंडरलाइन भी किया है नीचे, आप देख सकते हो, वी कैन यूज़ देम टू मेक कॉल्स एंड सेंड्स मैसेज, सेट रिमाइंडर, टेक नोट्स, रिकॉग्नाइज म्यूजिक, फाइंड ग्रेट रेस्टोरेंट्स, चेक योर कैलेंडर एंड मोर। तो हमारा जो नेक्स्ट है, अर्ली हिस्ट्री। तो जो हमारी AI है उसकी हिस्ट्री क्या है। इन 1950 इंग्लिश मैथमेटिशियन एलन टर्निंग रोट अ लैंडमार्क पेपर टाइटल कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंट दैट आस्क द क्वेश्चन कैन मशीन थिंक, मतलब जो 1950 में, मतलब ये जो है AI, ये डिस्कवर हो गई थी 1950 में। जो इसका डिस्कवर थे उनका नाम था एलन टर्निंग। उन्होंने मतलब एक पेपर वे, मतलब ये बहुत सकता है, टेस्ट किया था, मतलब वो लिखा था कि क्या मशीन सोच सकती है, मतलब क्या मशीन। तो हमारा जो इसका जो नेक्स्ट जो आगे का काम था, फर्दर वर्क केम आउट ऑफ 1956 वर्कशॉप एट डार्टमाउथ स्पॉन्सर्ड बाय जॉन एमसी कार्थी। मतलब जो इसका आगे का काम था वो 1956 में स्टार्ट हुआ था, जो कि स्टार्ट किया था जॉन एमसी कार्थी ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो प्रपोजल था वर्कशॉप का, उन्होंने उसमें बोला कि मैं AI को आगे पढ़ूंगा, मतलब उन्होंने उसके आगे की स्टडी की। तो द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख सकते हो। तो हमारा जो करंट स्टेटस ऑफ AI है, जो भी इसका करंट स्टेटस ऑफ AI है, ऑल हैव टेकन मैनी शेप्स एंड फॉर्म्स ओवर रिसेंट ईयर्स, लाइक मोबाइल फोन्स, सीरी, कॉर्टाना, वीडियो गेम करेक्टर्स, GPS, वॉइस रिकॉग्निशंस, रोबोटिक्स। गूगल हैज़ बीन अ मेजर प्ले ऑन AI, डीप लर्निंग इन अ मशीन लर्निंग बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट जो हमारे हैं, इसके जो चैलेंजेस होते हैं वो कंप्यूटर पावर, टॉलरेंस पावर, इंटरप्रेटिव थिंकिंग, जजिंग पावर। फ्यूचर ऑफ AI, कि इसके हमारा फ्यूचर क्या है, बियॉन्ड नेगोनेशंस मोर से CMU इज बेटिंग सेवरल अदर ऑल एरिया आर गोइंग टू बी ह्यूजली इम्पोर्टेंट इन द नियर फ्यूचर। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इम्प्रूव्ड मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट्स, ओपन अप डोर टू फ्यूचर एक्सप्लोजन एटसेट्राज। प्रोज एंड कॉन्स,
precisions and accuracies, costs incurred in the maintenance and repair. सबसे पहले स्पेस एक्सप्लोरेशंस नॉट एबल टू एक्ट एनी डिफरेंट, यूज फॉर मीनिंग प्रोसेस लैक द ह्यूमन टच, कैन डू लेबरियस टास्क लैक अ क्रिएटिव माइंड्स, फ्रॉड डिटेक्शंस मैनेज रिकॉर्ड लैक कॉमन सेंस, लैकिंग द इमोशनल साइड्स अनएम्प्लॉयमेंट, कैन डू repetitive and time consuming task, ability of humans may dismiss, robotics pets, robotics cradles, surgeries, robots suppressing humans, function without stopping, risk reducing. So last jo hamara hai conclusion, iska conclusion kya hai? Finally, we can say that the artificial intelligence, AI, is the intelligence of machines and branch of computers science that aims to create it. AI textbooks define the field as the study of the designs of intelligent agent, where an intelligent agent is the system that pre-receives its environment and take action that maximize the correct चांस ऑफ इट्स सक्सेस. जॉन एम सी कार्थी हु कॉइंड द टर्म इन 1955 डिफाइन इट द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स. थैंक यू. जय हिंद.